अब हम आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत के पूरे विभिन्न आयामों के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। तो एक क्राइम फ्री भारत का प्योर क्राइम एंड क्राइम डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड जस्टिस मॉडल हो गया है। फिर दूसरा है सीएफबी एग्रो मॉड्यूल, जी तो वो ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से सभी लोगों को वो करते हुए किसानों को माला माल करने का उसका सिस्टम है, अच्छा, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब आपको अगले वार्तालाप में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। और आप सर मुझे जहां भी लगाना चाहें और जो भी मेरे से काम लेना चाहें, मैं सर आपके मैं लिए। आपसे ये चाहता हूं कि जी सर, हमारे लोग जो है वो विभिन्न डायमेंशंस में लगे हैं, राइट। कुछ लोग जी नर्सरी में भी हैं, तो नर्सरी के प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, राइट। नर्सरी का जी अरे मतलब है कि हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी होंगे, हाँ, समझ गए। मेडिसिनल प्लांट होंगे, एरोमेटिक प्लांट होंगे, फॉडर प्लांट होंगे, ठीक है ना। देन जो सीड को डील कर रहे हैं उनसे भी पार्टनरशिप करना है, ठीक है ना। और हमें अपने सीड बैंक को बढ़ाना है, जिससे अभी जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप के चक्कर में जो हमारी महत्वपूर्ण क्रॉप्स जो है विलुप्त हो रही हैं उनको बचाना है, और उनको उनको जो है ना धन वर्षा उन पे करना है। तो यदि ईश्वर ने किसी चीज की 2000 वैरायटी पैदा की है, तो उन वैरायटी में कुछ ना कुछ खसूसियत होगी, चाहे हम जाने चाहे ना जाने। हाँ सही है सही है, जब तो है ऑलरेडी, जब है तो कुछ ना नहीं कुछ नहीं ईश्वर ने होगी। पैदा क्यों किया, यदि उसकी खसूसियत नहीं होती तो ईश्वर ने यदि वो वैरायटी और ईश्वर बनाई ने है, कोई भी चीज अगर पैदा की है तो वो काम की है। करेक्ट। तो इसका मतलब है कि हम जो है ना बहुत रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से हर वैरायटी को ना केवल प्रिजर्व करेंगे, बल्कि उसकी वो खासियत भी खोजेंगे, और उस खासियत को अपने मॉडल से जनता तक पहुंचाएंगे। तो इसमें जो है हमें फार्मर्स तक पहुंचना है, उसके लिए हमने LIC मॉडल CFB डेवलपमेंट ऑफिसर का चुना है। हमें जो है एग्रो इंडस्ट्रीज के पास पहुंचना है, हालांकि एग्रो इंडस्ट्रीज जो इक्विपमेंट बना रही हैं, जो नहीं बना रही हैं उनको बनाना शुरू करना है, जो बन रहे हैं उसमें थोड़ी सी रीमॉडलिंग करेंगे, जिससे आगे की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका लाइफ टाइम गारंटी रहेगी, राइट। तो वो टोकन प्राइस पे जो है आपके इक्विपमेंट को ऑल द टाइम जो है वो मेंटेन करेंगे, और यदि उसका वर्सन सुपीरियर आ जाता है तो उसको वो टेक ओवर करके और रीमॉडिफाई करके आपको जो है ना दूसरा देंगे, ठीक है ना। मतलब हमारे पास जो है हमें बार बार मशीनरी इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और इन जो इक्विपमेंट बनाने वालों को जो बिजुकों को खड़े होकर जो अपना एडवर्टाइजमेंट करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा। सीएफबी इनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करेगी, सीएफबी बड़ी संख्या में ग्रामीणों को स्किल डेवलपमेंट कोर्स चला के स्किल्ड लोग पैदा करेंगे। तो ये डिग्री डिप्लोमा की हमें जरूरत नहीं होगी, हम सर्टिफिकेशन कोर्सेस करेंगे। तो ये एक इतना पावरफुल मॉडल है, कभी विस्तार में हम आपको समझाएंगे। हाँ, मैं तो आप तो आपसे सर बात बराबर होगी। अब तू अब तो नहीं आप तो मोबाइल में बात करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ वो जरा समझ लीजिए फुर्ती से। एक तो मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि आप क्राइम फ्री यूट्यूब भारत को खुद भी और अपने जितने भी लोग हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे मनसा ये है कि अभी उसमें 5000 के लगभग लोग हैं, 5000 4700 कुछ लोग हैं, ठीक है ना। अब यदि वो 5 लाख हो जाएंगे और 10 लाख और 20 लाख हो जाएंगे, तो हम साइकोलॉजिकली बोल्ड महसूस करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है अपने पास। हाँ सही है। करेक्ट। तो सिर्फ इसलिए ये फालतू की इतनी सारी चीजों को हम सब्सक्राइब करते हैं, तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहां पे जितने भी ज्ञान की चीजें हमें जहां से भी मिलती हैं हम उसे अपनी कम्युनिटी में अपलोड भी करते हैं। तो ना केवल अच्छा। क्राइम फ्री भारत पूरे एम्बियंस में एनवायरमेंट में क्या अवेलेबल है उसको भी हम जो है ना अपलोड करते हैं, ठीक सर, ठीक। ठीक है ना। तो ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि हम इसको जो 5000 की संख्या है इसको 5 लाख, फिर 50 लाख, फिर 5 करोड़ कैसे पहुंचाएं, राइट। जैसे ही इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे तो उन्हें अपने लाभ उसमें दिखाई देगा। हम किसी को ज्ञान नहीं बांटना चाहते हैं, सीएफबी का रिजॉल्व है कि हम ना ज्ञान बांटेंगे ना अवेयरनेस बांटेंगे, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो है ना फ्लैट सरफेस हैं, वो ज्ञान को होल्ड नहीं कर सकते हैं, और कुछ बड़े महापात्र हैं लेकिन वो ज्ञान से ओवरफ्लो हो रहे हैं, तो उन्हें अपने ही ज्ञान समेटने की जो है ना वो नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे का ज्ञान क्या संभालेंगे वो, ठीक है ना। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम
विश्व की सबसे बड़ी R&D हब CFB मॉड्यूल में क्रिएट करेंगे और हम ज्ञान नहीं बांटेंगे, उसे प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके जन जनमानस को जो है सुलभता से उपलब्ध कराएंगे। तो सिस्टम के तहत, सिस्टम के तहत, और वो हाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन, हाई मैनेजमेंट ड्रिवन रहेगा, तो उसमें वैदिक ज्ञान भी होगा, वर्तमान नॉलेज भी होगा और वर्तमान टेक्नोलॉजी भी होगी। तो उसमें जो है पुरानी भी चीजें सभी होंगी और नई चीजें भी सभी होंगी, ठीक है, पूरा डाटा हो, पूरा डाटा एक जगह होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हम जो है, और इसमें जो है ना राइट टू प्राइवेसी भी होगी कि आपकी किसी भी डाटा को कोई कॉमर्शियल या किसी थर्ड पार्टी के लिए यूज नहीं होगा, वो केवल कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा यदि कोई अपराध किया गया है तो, ठीक है ना। तो हम राइट टू प्राइवेसी भी इसमें दे रहे हैं। तो रविंद्र जी, मैं ये रविंद्र में ये चाहूंगा कि आप जो है ना अलग अलग क्षेत्र के कुछ विद्वानों को खोजिए और उनका काम ये है कि चाहे वो एग्रो इंडस्ट्री वाला हो, चाहे वो नर्सरी वाला हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वाला हो, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट वाला हो, चाहे वो एक्वा कल्चर वाला हो, चाहे वो बी कीपिंग वाला हो, इन सबको जो है ना एज ए रिसोर्स पर्सन हमको आइडेंटिफाई करना है और हम उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करेंगे। और इसमें जो है तीन अकाउंट है, एक एसेट अकाउंट है, दूसरा एक प्रॉफिट कम 1MSP अकाउंट है और तीसरा जो है ना 1MSP प्लस और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है। तो हम किसानों को 1MSP फ्री फ्रॉम एनी कॉस्ट दूंगा और कंज्यूमर्स को जो है ना 2 से 3 MSP के बीच में द बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल अमृत तुल, अभी तो वो बिस खरीद रहा है, वो अमृत तुल चीज उसको अपने घर पे मिलेगी। जब ये अमेजन कर सकता है, फ्लिपकार्ट कर सकता है, तो मैथिलीशरण का CFB मॉडल क्यों नहीं कर सकता है। ठीक है ना। तो इसी बात के साथ मैं इस वार्तालाप को यहाँ पे बंद करता हूँ और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई भी चीज प्राइवेसी में नहीं करता हूँ। तो मेरी हर बात रिकॉर्डेड होती है और वो एज ए एनर्जी के फॉर्मेट में क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं ये भी अपलोड होगी। तो आप हमसे कभी कोई अनौपचारिक बात नहीं करेंगे। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि आप ऐसी कोई फालतू की बात कर रहे हैं जो कि एयर में नहीं जाना चाहिए। नहीं, और नहीं, 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 मैं समझ गया हूँ, आपकी बात समझ गया हूँ। ठीक है ना। तो आप बहुत संजीदगी से, बहुत जिम्मेदारी से बात करेंगे और इस मॉडल को जमीन में उतारने के लिए, देखिए वर्तमान व्यवस्था में सबसे अधिक पीड़ित कोई है तो वो बनिया वर्ग है, उसको गाली भी दी जाती है, उसी को ही यूज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है, अब्यूज किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उसको जूते मारे जाते हैं और उसी से पैसे लेके चुनाव जीता जाता है और उसी 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 में डंडे मारे जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। तो बनियों, चूंकि बनिया जो है ना सभी से डील कर रहा है, तो हम जो है ना किसी तरीके से इंडस्ट्री से भी डील कर रहे हैं, नर्सरी वालों से भी डील कर रहे हैं, तो उनकी सूची बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा। और जिन्होंने तपस्या की है उस उन तपस्वियों के काम को हम CFB मॉडल का उतार के जन जन तक पहुंचा देंगे और इन तपस्वियों को जो है जिम्मेवारी और ओहदा भी देंगे, जिससे कि उनका सम्मान बढ़े, उनको इज्जत मिले और उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है। तो अभी वर्तमान दुष्ट सिस्टम में तो दुष्ट लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, CFB जो है ऐसे जन तपस्वियों को सम्मानित भी करेगी, प्रतिष्ठा भी देगी और कानून बनाने की जिम्मेवारी भी देगी। ठीक है ना। तो सर भोपाल निवास आपका, तो सर भोपाल होगा निवास। करेक्ट, मैं भोपाल में निवास करता हूँ। ठीक है, मेरा एक आपसे आग्रह है हाथ जोड़ के। हाँ बोलिए। कि मेरे वाले ग्रुप में थोड़ा सा आप अपना पर्चे डाल दीजिए। मेरे ख्याल से मेरा पर्चे खोजने के लिए आप गूगल पे मेरा नाम डाल दीजिए और पर्चे उसको नहीं, नहीं, थोड़ा सा ग्रुप में, थोड़ा सा ग्रुप में और भी लोग हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, कोई मान भाव या कोई अच्छे वाले। आप जो है उसे खोज के डालिए, यदि उसमें कुछ गलती होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक सर, ओके राइट। चलिए इसी भावना के साथ जो है ना अपन वार्तालाप को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके सर, थैंक यू।